न्यायालय को अपनी तरफ देखना पड़ेगा कि हमने आप लोगों को दिया क्या। जब सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हम आपको जब ये नहीं दे पाए तो हम आपको विधिक ज्ञान क्या दें। रतनपुर गांव पहुंचे न्यायाधीश। प्रयास करूंगा कि आपका ये जो विवाद है, जो ये कठिनाइयां हैं, जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। न्यायाधीश ने ग्रामीणों से क्या कहा? आज मैं आपको विधि के बारे में कोई ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने से पहले हम लोगों को अपने हमको या प्रशासन को या न्यायिक न्यायालय को अपनी तरफ देखना पड़ेगा कि हमने आप लोगों को दिया क्या। गांव की बदहाली पर नाराज हुए जज साहब। न्यायालय को अपनी तरफ देखना पड़ेगा कि हमने आप लोगों को दिया क्या। जब सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हम आपको जब ये नहीं दे पाए तो हम आपको विधिक ज्ञान क्या दें। जज साहब ने ग्रामीणों को दिया वचन। तो प्रधान जी, आप जो है ये जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, एक तो मूलभूत सुविधाएं जो आपके यहाँ नहीं है इनके बारे में, और ये जो आपका सड़क का जो ये है, जीवन विभाग और इसका, इन दोनों के बारे में पूरे जो भी कागज आपके पास है दरख्वास्त के साथ हमें दीजिए, और मैं प्रयास करूंगा कि इसके बारे में मैं कुछ कर पाऊँ। सुल्तानपुर के गांव की बदहाली उस वक्त बेनकाब हो गई जब गांव में एक कार्यक्रम के तहत खुद न्यायाधीश पहुंच गए। न्यायाधीश ग्रामीणों को कानून की जानकारी देने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने गांव की हालत देखकर बस यही कहा कि पहले तो इस गांव में विकास होना चाहिए। लेकिन जब यहां पर आए और आप लोगों की स्थिति देखी, प्रधान जी को सुना, तो मुझे लगा कि शायद यही सबसे अच्छी जगह हो सकती थी पहली बार मुझे आने के लिए। आज मैं पहली बार सुल्तानपुर के किसी गांव में आया हूं, और मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छी जगह थी। योगेश जी, ये मामला सुल्तानपुर शहर से सटे रतनपुर गांव का है, जहां विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन गांव वालों को कानून की जानकारी देते हुए जागरूक करने के लिए किया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर अपर जनपद न्यायाधीश FTC अभिषेक सिन्हा ने खुद शिरकत की। न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा गाँव वालों को जागरूक करने पहुँचे थे, लेकिन जब उन्होंने गाँव वालों की हालत देखी तो उन्होंने ये कहा। आपका ये जो विवाद है, जो ये कठिनाइयां हैं, जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। आज मैं आपको विधि के बारे में कोई ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने से पहले हम लोगों को अपने हमको या प्रशासन को या न्यायिक न्यायालय को अपनी तरफ देखना पड़ेगा कि हमने आप लोगों को दिया क्या। न्यायाधीश ने कहा कि जब गांव में सड़क, अस्पताल और स्कूल नहीं दे पाए तो भला हम आपको कानून की जानकारी कैसे दे सकते हैं। जब सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हम आपको जब ये नहीं दे पाए तो हम आपको विधिक ज्ञान क्या दें। हमें तो सबसे पहले आपको ये देना है। तो प्रधान जी, आप जो है ये जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, एक तो मूलभूत सुविधाएं जो आपके यहाँ नहीं है इनके बारे में, और ये जो आपका सड़क का जो ये है, जीवन विभाग और इसका, इन दोनों के बारे में पूरे जो भी कागज आपके पास है दरख्वास्त के साथ हमें दीजिए, और मैं प्रयास करूंगा कि इसके बारे में मैं कुछ कर पाऊँ। सुल्तानपुर शहर से सटे हुए रतनपुर गांव में अस्पताल, आंगनबाड़ी, शमशान और सड़क नहीं है। यहां विकास की बात करना बेईमानी है। ग्रामीण आजादी के बाद से ही मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन इस बार न्यायाधीश के आने से गांव वालों को कुछ उम्मीद जरूर जागी है। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ नफीस खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।